फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह गर्मी की ऋतु में छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये ऋतु का भी आप आनंद उसी तरह से ले सकते हैं जैसे आपको विंटर और रेनी अच्छी लगती है। जी हाँ, तो देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर आपके पास इस तरह से खजूर बच गया है, क्योंकि ये हम अक्सर विंटर में खाने के लिए लाते हैं और ये कुछ इस तरह से बच जाता है, अब इसका कुछ खास यूज़ होगा नहीं, तो हमें क्या करना है कि खजूर, गुड़ और इमली, इसे आप ले लीजिए और आप उसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसे मिक्सचर में ग्राइंड कर लेना है और फिर छन्नी की मदद से इसे आपको छान लेना है और इसकी आपको एक महीन पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और हमारी बहुत ही अच्छी इमली की खट्टी मीठी चटनी मिनटों में तैयार हो गई। इस चटनी को आप काफ़ी लंबे समय तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी इसकी ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने बचे हुए खजूर का बहुत ही अच्छा इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास च्यवनप्राश है तो आप इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर से देख लें कि अगर वो एक्सपायरी होने की तैयारी में है तो आप इसे ज़रूर से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। घर को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए आपको हमेशा बेडशीट लाइट कलर की गर्मियों में बिछानी चाहिए और इसके लिए भले ही वो बेडशीट आपकी पुरानी हो, लेकिन अगर उसे आप लाइट कलर की बेडशीट को बिछाते हैं तो घर में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आती है। इसके साथ ही आपको आपकी एसी की सफाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है और एसी का जो फिल्टर है उसे आप साफ़ कर दीजिए, जिससे आपका लाइट बिल भी कम आएगा और आपकी सारी धूल मिट्टी जो है वो एसी में से दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका विंटर में यूज़ नहीं किया है तो इसकी सफाई भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं या तो आप इसे बुलाकर भी साफ जरूर से करवा लीजिए। और साथ ही घर के जितने भी पंखे हैं उनकी भी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप कैसे सफाई करें वो मैंने आपके साथ किस तरह से आप पिलो कवर का यूज़ करके इसे साफ़ कर सकते हैं ये आइडिया आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर से मेरे पिलो कवर वाला वीडियो देख कर भी किस तरह से आप पंखे की सफाई कर सकते हैं वो ज़रूर से देख लीजिए और पंखे को साफ़ कर लीजिए। घर को बिल्कुल नया सा लुक आप बहुत कम खर्च में स्टिकर लगाकर भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से आप स्टिकर लगाकर घर को बिल्कुल नया सा लुक दीजिए और आप बहुत ही अपने आप को गर्मी की ऋतु में फ्रेश महसूस करेंगे। आप पर्दों के कलर बिल्कुल डार्क पसंद कीजिए, जिससे दिन में अगर आपके घर में बहुत धूप आती है तो धूप ना आए और आपके घर में ठंडक से बनी रहें। अगर आप डार्क कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह लाइट कलर में कुछ इस तरह के फ्लावर्स वाले, प्रिंट वाले भी आप पर्दे बड़ी आसानी से यहाँ यूज़ कर लीजिए और आप गर्मी से बच सकते हैं। गर्मियों में मच्छर की काफ़ी परेशानी होती है, तो इसके लिए आप इस तरह की कपूरदानी ले आइए और इसमें आपको कपूर को डाल देना है और इसके बाद जब आप इसे जलाते हैं तो घर में से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है, मच्छर भी दूर होते हैं और घर में एक भीनी भीनी सी सुगंध भी आती रहती है और ये बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर का भी काम करता है। तो आपको गर्मी में कोई भी महंगे रूम फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नेचुरल रूम फ्रेशनर का ही यूज़ कीजिए। गर्मियों में आप हो सके उतना ज़्यादा लिक्विड का यूज़ कीजिए और लिक्विड पीने के लिए आप या आम पन्ना, ग्लूकोन सी, शरबत और एनर्जी, अलग अलग तरह के ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। मैंने यहाँ 2 कच्चे आम लिए हैं, इसे बारीक काट लिया है और 1 गिलास पानी डालकर मैंने कुकर में 3 सीटी बजा ली है और इस तरह से कर लेने के बाद मेरी जो हमारा जो कच्चा आम है वो मैंने बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो गया है और इसे अब मैंने मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया है और मैंने छन्नी की मदद से इसे छान लिया है, जिससे हमारी एक महीन पेस्ट तैयार हो जाएगी। गर्मियों में हमें कच्चे आम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें गर्मी ना लगे, लू ना लगे। और इसको अब मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने आधी कटोरी शक्कर डाली है। आप यहाँ पर गुड़ या तो मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं और आपको ये शक्कर पिघलानी है और उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच काले मरी का पाउडर और साथ में ही मैंने आधा चम्मच जो है इसमें जीरा पाउडर को भी डाला है और फिर हमें इसे लगातार हिलाना है, जिससे ये बिल्कुल भी नीचे से चिपके नहीं और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा एनर्जिक ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अब हम इसे स्वाद अनुसार इसमें हमें नमक को भी ऐड करना है और इसे लगातार हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा और अब हमें देखना है कि ये 1 तार की चाशनी बन गई है कि नहीं, तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए चम्मच के पीछे इस तरह से कोटिंग हो जाना चाहिए।
अब एक ग्लास में मैंने 2 बड़े चम्मच आमपन्ना डाला है, कुछ ठंडा पानी और उसके ऊपर आप कुछ बर्फ़ डालकर, ये बहुत ही हेल्दी एनर्जिक ड्रिंक आपका मिनटों में तैयार हो गया और ये बहुत ही नेचुरल है। और इस तरह का ड्रिंक आप जरूर से घर पे गर्मियों में तैयार कीजिए। गर्मियों में आप पक्षियों के लिए पानी और दाने की जरूर से व्यवस्था कीजिए। मैं अपने एक विंडो में हमेशा पानी और दाने रखती हूँ, जिससे पूरे साल मेरे यहाँ तरह तरह के पक्षी पूरे दिन आते हैं। और इसके साथ ही अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से आपके प्लांट्स को 2-3 दिन सर्वाइव कर जाए, उसके लिए आप नारियल के छिलके लीजिए और इसे आपके अपने प्लांट के ऊपर रख दीजिए, जिससे आपने जो भी पानी डाला है वो इसके में नमी से बना रहेगा और आपका प्लांट बड़े आसानी से 2-3 दिन तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर जाएगा। घर में कम से कम सजावट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्लांट को लगाइए, इंडोर प्लांट को लगाइए, जिससे आपके घर का वातावरण बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और साथ में आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। आपके घर में भी मेरी तरह इस तरह आरओ प्लांट में से पानी निकलता है, तो मैं इस पानी का यूज़ जो है अपने जो भी प्लांट से इसे पानी देने में करती हूँ। और मैं इसमें से जो है मोपिंग कर लेती हूँ, जिससे पानी का पूरा मैं इस तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पानी अक्सर कहीं जगह पे मिलता नहीं है, पानी की बहुत ही किल्लत रहती है, तो पानी का हमें इस तरह से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों में जो है हमारे शुगर का जो कंटेनर होता है उसमें चींटियाँ आ जाती है, तो आप इस तरह से उसमें कुछ 4-5 लौंग डाल दीजिए, जिससे आपका अब बिल्कुल भी चींटियों की परेशानी नहीं होगी और इस तरह से आप अपनी शुगर को स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़रूर से सनस्क्रीन लोशन लगाना है, और ये लोशन आपका शरीर का जो भी भाग खुला रहता है उस पर आप ज़रूर से लगाइए, चाहे वो हाथ हो या पाँव हो। और साथ में घर से निकलने से कम आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन लोशन लगा लेना है। अगर आपके पास सनस्क्रीन लोशन नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप गर्मी से बच सकते हैं। सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि अब आपको आपके फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा देना है, क्योंकि हम जब विंटर होती है तब कम टेम्परेचर में हमारा काम हो जाता है, लेकिन अब गर्मियों में आपको अपने फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देना है। और कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गर्मी की सीजन आपके लिए बहुत ही आनंददायक साबित होगी।